नमस्कार दोस्त, दोस्तों स्वागत है आपका आज के इस नए वीडियो में मैं बात कर रहा हूँ बिहार बी एड कॉमन इंटरन टेस्ट जिसमें दोस्तों आप लोग को काउंसलिंग जो करना है वो काउंसलिंग हम कैसे करेंगे आज मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा और बहुत सारा जो ज़रूरी जानकारी है वो भी मैं आपको देने वाला हूँ जिसमें आप किस प्रकार से इसको ऑनलाइन करेंगे और क्या इसका जो भी कॉलेज अगर सेलेक्ट करते हैं तो कॉलेज को कैसे सेलेक्ट करेंगे किस कॉलेज में आपको कितना पेमेंट का ऑप्शन आ जाता करता है वो सब मैं आपको बताऊंगा मतलब जब काउंसलिंग हो जाता है आपका एडमिशन कहीं होता है तो उसमें पेमेंट कितना होता है खर्च कितना आता है ठीक है तो दोस्तों जाहिर सी बात है कि कोई भी कैंडिडेट इसमें अप्लाई करते हैं तो वो सोचते हैं कि चलो अगर मैं अप्लाई करूँ तो सबसे पहले जो है सरकारी कॉलेज दू उसके बाद ही कोई प्राइवेट कॉलेज उसके बाद काउंसलिंग कॉल नहीं ठीक है तो चलिए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं दोस्तों वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आप लोग इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ दोस्तों लाइक सब्सक्राइब कीजिएगा क्योंकि आपके एक लाइक सब्सक्राइब करने से मेरा जो है मोटिवेशन बढ़ता है मैं आपको वीडियो जल्द से जल बता रहा तो चलिए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं सबसे पहले दोस्तों आप लोग जो फैश जहाँ से फॉर्म भरे थे वैसे ही फॉर्म भरना है तो फॉर्म भरने वाले स्टेप पर आ जाना है जैसे आप कॉल कर रहे थे और यहाँ पर जो साइन इन का ऑप्शन है वहाँ पर साइन पर क्लिक करना है जैसे ही साइन इन पर क्लिक करेंगे यहाँ जो आपका ईमेल आईडी होगा जो जिससे आपने रजिस्टर किया होगा उससे इसको ओपन कर लेना है काउंसिलिंग वाले ऑप्शन को और इस प्रकार से जो आपका अकाउंट मतलब यूजर आईडी है उसको इसमें डाल देना है और आपने जो पासवर्ड बना रखा होगा जो मतलब तो आपका पासवर्ड होगा उससे इसको लॉग इन कर लेना है जैसे आप लॉगिन करेंगे दोस्तों तो आपको ये कुछ तो चीज़ पर का इंटरफेस दिखेगा जो कि इसमें आपको यहाँ पे माई अपन जो शुरू में आपने था फिर आपका फॉर्म फिर आपको कॉलेज प्रेफरेंस पेमेंट है रजिस्ट्रेशन फॉर काउंसलिंग ठीक है योर कोड डिटेल्स और रिजल्ट कार्ड दोस्तों रिजल्ट कार्ड तो आपको पता ही होगा जिसका जो रिजल्ट है वहाँ पे उसका ऑप्शन पता आप लोगों ने रिजल्ट भी चेक कर लिया होगा तो दोस्तों मैं एक चीज़ आप लोग क्लियर कर देना चाहता हूँ दोस्तों जो भी कैंडिडेट जो भी कैंडिडेट इसमें फॉर्म भर रहे हैं आपको काउंसलिंग में जो नंबर डिसीजन दिया गया था मतलब रैंक दिया गया था या इतना कहीं एक ही नंबर जो दिया गया था मान लीजिए आपको छप्पन नंबर आया किसी को साठ नंबर आया किसी को अस्सी आया तो ये आपको पता होगा आपने पहले भी लिस्ट में देखा होगा कि कितने नंबर होने के बाद ही आपको जो है मतलब आपको सरकारी कॉलिंग मिलता है ठीक मतलब है मगर हर ग्राम चाहते हैं कि मुझे सरकारी कॉलिंग मिले मगर मतलब मैं एक चीज़ आपको बता दूँ जो भी करने इसमें अप्लाई करेंगे लगभग आपको समझिए कि एट्टी प्लस जिसका है ठीक है एट्टी प्लस सेवेंटी प्लस सिक्सटी प्लस नॉर्मली जनरल ओबीसी के लिए नाइन्टी प्लस और जनरल ओबीसी के लिए और एस सी जो है उसको सिक्सटी प्लस पे ही नंबर पे लगभग आपको जो है सरकारी कॉलेज मिलने का चांस है बापागी पे नहीं है तो आप एक चीज़ क्लियर करें दोस्तों की ये नहीं कि आप काउंसलिंग तो कर रहे हैं काउंसलिंग में तो सबका सब सरकारी कॉलेज दे रहे प्राइवेट कॉलेज दे नहीं रहे हैं इससे क्या होगा दोस्तों कि आपका अगर लिस्ट में नाम नहीं आया मान लीजिए तो आपको काउंसलिंग नहीं काउंसलिंग में नहीं होगा आपको पेमेंट भी कट जाएगा और क्या होगा कि आपको कहीं नाम भी नहीं आएगा तो कोशिश करना है दोस्तों हम लोग को कि हम लोग को प्राइवेट और सरकारी दोनों में देना है ठीक है तो चलिए दोस्तों वीडियो का स्टार्ट करते हैं कि कैसे करेंगे ये जो दोस्तों रजिस्ट्रेशन बोर्ड काउंसलिंग इस ऑप्शन पर क्लिक कर लीजिए और इस ऑप्शन पर आने का आपका देखिए यहाँ पर दिखा रहा है ना कि आपका जो कोर्स नेम इतना है और आपका जो मार्क्स है वो फिफ्टी फोर है ठीक है तो फिफ्टी फोर आपका मार्क है और सी एम एल रैंक अगर आपको बात करें तो दस हजार जो मतलब यहाँ पे एक लाख सात हजार एक सौ चौदह ठीक है तो यहाँ पर रैंक देख लीजिए फिफ्टी फोर तो जनरल रैंक में दोस्तों सरकारी कॉलेज में इतना कम चांस है बट फिर भी हम वो नाम डालेंगे ठीक है तो इस प्रकार से इसमें ऐड कर लेते हैं जैसे ही ऐड करेंगे दोस्तों तो कुछ इस प्रकार का एड दोस्तों वीडियो बहुत ही शानदार होने वाला है क्योंकि इसमें ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा मैं आपको आसानी से समझा दूंगा बस आपको ध्यान देना थोड़ा सा वीडियो स्किप ना कीजिएगा ठीक है तो इसमें देखिए दोस्तों यूनिवर्सिटी नेम सबसे पहले क्या करना दोस्तों आपको मिनिमम जो है इसमें क्या दिया गया तीन कॉलेज तो मिनिमम चुनना ही है और ज़्यादा जो मैक्सिमम चुनना अगर होगा आपको तो नौ कॉलेज चुन सकते हैं ठीक है तो सबसे पहले हम क्या करते हैं दोस्तों तीन कॉलेज जैसे दिया ना दोस्तों उसमें हम लोग क्या करते हैं पहले सरकारी को चुन लेते हैं तीन कॉलेज मेरा नंबर कम है फिर भी मैं सरकारी कॉलेज को चुन लेता हूँ क्योंकि इससे क्या मतलब होगा दो तो तीन कॉलेज चुन लूंगा उसके बाद जो चुनोगा अगर सरकारी में नहीं आता है तो कोई प्राइवेट में आ जाएगा ठीक है तो पहले सरकारी देख लेते हैं ठीक है हो जाता तो बहुत अच्छा क्योंकि सरकारी कॉलेज पेमेंट है दोस्तों बहुत कम लगता है इसलिए चलिए यूनिवर्सिटी ने तो यूनिवर्सिटी पहला आप कैसे जाएगा जो जिस जगह से है जिस जगह से बिलोंग करते हैं वो उसी प्रकार से उसी तरह का कॉलेज को ऑप्शन चुनेंगे ठीक है तो अब कॉलेज का ऑप्शन जो है जो जिनको जैसे जहां से चुनना है जैसे हम लोग आ जाएंगे तो यहाँ पे यूनिवर्सिटी नेम्स दिखा रहा है तो है ठीक तो यूनिवर्सिटी में मान के चले आपको ललित नारायण मिथिला यूनिवर्सिटी से करना है ठीक है तो ललित नारायण जो मिथिला यूनिवर्सिटी है इस अबसे को सेलेक्ट कर लीजिए पहला और इसमें आपको सबसे ऊपर में ही दिखा देगा कि आपका ये गवर्नमेंट कॉलेज कौन है उसके बाद कॉन्स्टिट्यूंट कॉलेज कौन है मतलब दोस्तों अर्थ और दो आदा आदा तो सब आधा प्राइवेट और आधा सरकारी इस टाइप का कॉलेज होता है ठीक है तो सबसे पहले तो गवर्नमेंट अगर चुन लीजिए आप गवर्नमेंट में जो एक टीचर बताए तो तो एक या जो कॉलेज है उसका नाम यहाँ पे शो कर सोकारा गवर्नमेंट टीचर एजुकेशन नियर आजाद चौक आज धर्मपुर समस्तीपुर यहाँ पे एक कॉलेज आपको गवर्नमेंट कॉलेज दिखा रहा है ठीक है तो ये आप एक ऑप्शन यहाँ पे दिख रहे हैं ठीक है दरभंगा तो में अगर बात करूं तो गवर्नमेंट कॉलेज का बात कर रहा हूँ ठीक है तो मैंने वन टीचर ये ऑप्शन चुन लिया ठीक एक कॉलेज गवर्नमेंट कॉलेज ठीक है इसको क्या करेंगे ऐड टू लिस्ट कर देंगे फिर सेकेंड लिस्ट में सेकेंड में क्या करेंगे दोस्तों अगर इसी को मुझे फिर से चुनना है तो कोई दिक्कत नहीं है अगर आपको अदर में चुना तो कोई दिक्कत नहीं तो को है ठीक है मान लीजिए बस समझाने के लिए बता रहा हूँ ठीक है आप एक पटना से चुनना चाहते सरकारी कॉलेज ठीक है तो पटना में ओविन के लिए मेन गिर सब के लिए तो गवर्नमेंट यहाँ पे मेन यहाँ पे पटना ट्रेनिंग कॉलेज बरीपथ दरियारपुर पटना एक प्रद्योग से पिनकोड यहाँ पे डाल दिया गया ठीक है ये गवर्नमेंट को पटना के लिए ठीक है एड टू लिस्ट फिर थर्ड इसके बाद आपको देखें तो यहाँ पे ये ऑप्शन जैसे जैसे आ रहा है वैसे वैसे तो समझिएगा दोस्तों इसके बाद पूर्णिया अगर देख लेते हैं एक बार इसको सेलेक्ट कर लीजिए अगर आपको वहाँ से करना है तो ही कलेक्ट कीजिएगा दोस्तों तो वह नाम मत कीजिएगा ठीक है तीक पुर्निया तो या देखिए पूर्णिया में भी एक भी गवर्नमेंट कॉलेज यहाँ पर नहीं दिखा रहा तो गवर्नमेंट नहीं है तो नहीं, नहीं भी जा सकते आप कॉन्स्टिट्यूंट कॉलेज है तो वो जा सकते हैं ठीक है एक बात और दोस्तों मैं बताऊँगा आपको चार सौ वीडियो बने रहेगा बैक मत चलिएगा जाइएगा कहीं मत ठीक है इसकी मत कीजिएगा इसके बाद मान के चलिए बा यहाँ पे बाबा साहब का कॉलेज ठीक है इसको सेलेक्ट कर लेते हैं यहाँ भी गवर्नमेंट कॉलेज एक है ठीक है मुजफ्फरपुर के लिए तो आप अगर दरभंगा है बिहार से है तो इसमें बाबा साहब अम्बेडकर से चुनते तो यहाँ मतलब तो तो आप वहाँ से भी कर सकते हैं ठीक है दोस्तों एक बात तो और पता है आपको कि आप कॉलेज जो लाभ चुन रहे हैं बी के लिए तो आपको क्लास भी करना पड़ेगा क्लास नहीं कीजिएगा पहले तो नहीं क्लास नहीं कीजिएगा तो आपको छोड़ दिया जाएगा क्लास नहीं होगा तो अपना हो, तो नाम काट दिया जा सकता है वो आपको पता होना चाहिए ठीक है तो ज़रूरी नोटिफिकेशन जो है ना वो समझ लीजिएगा अपने कॉलेज से कि आना है कि नहीं आना है वो वैसे आना ही होता है दोस्तों क्योंकि कॉलेज है तो पढ़ना है तो वही ठीक है तो ये आपका तीन हो, हो गया जो मैंने सरकारी कॉलेज को चुना था ठीक है अब मैं आपको सरकारी से प्राइवेट पे आ जाता हूँ ठीक है चलिए पटना के बाद फिर से मैं ललित नाइन पर आ जाता हूँ सेकंड लिस्ट में जो काउंसलिंग नेम है यहाँ पे आपको देखिए दोस्तों दो, तो दो चीज़ें यहाँ है जो मुस्लिम कैंडिडेट है उनके लिए क्या कर दिया गया कि प्राइवेट मुस्लिम मैनिटरी कॉलेज ये दो ऑप्शन कॉलेज के दिखा रहा है दो दो जो भी मुस्लिम है ठीक है मुस्लिम मैनोरिटी कैंडिडेट है वो जो है इस ऑप्शन को एक जो ये ऑप्शन है मुस्लिम गाइन को यह ऑप्शन जरूर चुने क्योंकि उनको इससे जो है बेनिफिट होने वाला होगा ठीक है तो ये उनको माइनॉरिटी कॉलेज मिल जाएगा और इनको उनके लिए बेटर कॉलेज होगा मतलब माइनॉरिटी माइनिट्रिक उनको चुनना है ठीक तो आप एक ऑप्शन अगर वैसे कर नहीं है तो उसको चुन लीजिए ठीक है एड टू लिस्ट करके ऐसे हम जैसे आपको बता रहे हैं चुन लीजिए अगर नहीं है तो कोई बात नहीं है ठीक है तो इसको छोड़ दिए मान के चलिए अगर आया तो चुन सकते हैं ठीक इसके बाद आपको दरभंगा के बताओ स्वामी विवेकानंद डी कॉलेज जो है आपको बासुदेवपुर में इसको सेलेक्ट कर लिए एड लिस्ट कर लिए इसके बाद यहाँ फिर से आप टोटल नौ चुनना जा, दोस्तों ज़्यादा मत चुनिएगा क्योंकि तो इससे क्या होगा कि अगर नाम भी नहीं आएगा आपसे नौ पे चुन सकते हैं मैक्सीम ठीक है चलिए इसके बाद मैं ललित नारायण से हूँ मैं दरभंगा से हूँ मैं एक एक करके सीरीज से चुनूंगा जो मेरे अगल बगल होगा ठीक है मैं आपको समझाने के लिए बता रहा हूँ कि आपको भी चुन रहा है अगर आपके जो अगल बगल कॉलेज पढ़ता है उसको चुनिए तो ज़्यादा जरूरी आप कौन नहीं होगा ठीक है इसके बाद यहाँ पर ओरिएंटल एजुकेशन कॉलेज है जो सी में पढ़ता है वो भी आज तरह कर लीजिए तो एक एक करके जो भी आपका ऑप्शन है कॉलेज का यूनिवर्सिटी वही रहेगा आप अपना यूनिवर्सिटी भी आपको जिस यूनिवर्सिटी से करना है आप वहाँ से भी चुन सकते हैं कर सकते हैं ठीक है इस प्रकार से क्या हो दोस्तों एक एक करके जो जो मैं आपको बता रहा हूँ ठीक है आप उसको पहले तो चुन लीजिए जो कि आपको यहाँ पे करने में बेनिफिट होगा और ज़्यादा दूर भी नहीं होना चाहिए क्योंकि ज़्यादा दूर होगा तो आप जा भी नहीं पाएंगे ठीक है तो इस प्रकार से एक एक करके मैं चुन रहा हूँ आपको सामने दिखा भी रहा हूँ क्योंकि आपको इसमें जैसे मैं कर रहा हूँ तो आपको प्रॉब्लम नहीं होगा आप भी आराम से मेरे तरह कर सकते हैं देख के कर सकते हैं और कहीं दिक्कत आपको नहीं होगा तो इस प्रकार से दोस्तों ऐसे एक एक करके मैंने ऑप्शन चुन लिया ठीक देखते जाइए दोस्तों और जितना क्वालिज मुझे चुनना है वैसे तो नौ कॉलेज इसमें और इतना मैं चुन लूँगा तो ज़्यादा अच्छा रहेगा मेरे लिए क्योंकि अगर किसी में कम बी करके नंबर आता है ये सब प्राइवेट कॉलेज दोस्तों ये सब ध्यान दीजिएगा ये सब प्राइवेट कॉलेज है और एक बात और तो, कॉन्स्टिट्यूंट कॉलेज मतलब अर्धता है आधा कॉलेज प्राइवेट आधा सरकारी इसमें भी एक दोस्तों ना चुन लीजिए क्योंकि इससे क्या होता है दोस्तों कि इसमें भी जो पेमेंट होता है ना वो आपको फिफ्टी फिफ्टी रहेगा प्राइवेट से कम रहेगा सरकारी से ज़्यादा रहेगा मतलब क्या फिफ्टी फिफ्टी रहेगा तो इस प्रकार से दोस्तों कुछ आप सरकारी कुछ आप प्राइवेट और कुछ आप कॉन्स्टिट्यूंट कॉलेज को ऑप्शन दे दीजिए ताकि आपका एक एक करके ये जो है नौ गुण जिससे आपको पूर्ण था वो आपका नव आ जाए ठीक है तो ये इस प्रकार से आपका यहाँ टोटल नाइन कॉलेज हो गया इस पर क्लिक कर दीजिए क्लिक करने के बाद दोस्तों क्या करना है कि यहाँ पे सेव करने का ऑप्शन है सेव कर लीजिए आप प्रिंट कर सकते हैं आप तो आपका क्या होगा जितना कॉलेज आपने सेलेक्ट करा है वो सब यहाँ पे आपको शो करेगा तो सेव करके सेव करके जैसे आप आगे बढ़ेंगे तो आपको पेमेंट करने का भी ऑप्शन यहाँ पे आ जाएगा और आप सेव करने के बाद आपको वहाँ पे नाम आपका फोटो वगैरह दिखा देगा ठीक है सेम जैसे लीजिए सेम मैंने कर दिया ये मेरा तत्काल सेव हो गया दोस्तों जब तक हम पेमेंट नहीं कर देते हैं हम इसको डिलीट कर सकते हैं कॉलेज को चेंज कर सकते हैं दोस्तों किसी का गाइड ले लीजिए समझ लीजिए आप पहले कि आपको किस किस कॉलेज बारीकी से क्यूँकी हर बार में का एक दो पे इधर उधर चुन लेते हैं मान लीजिए दोस्तों और किसी कारण से वो कोई आपके जो गंतव्य स्थान है वहां से दूरी हो आप मेल है चाहे फीमेल है फीमेल फीमेलो अगर दूरी है तो उनको दिक्कत हो ये करने में तो अगल बगल है तो ज़्यादा चांस रहेगा कि आपको अगल बगल अगर तो प्राइवेट को मिल जाता है मान लीजिए तो आपको दिक्कत जादू में जाना पड़ा आपसे गलती से तो सेलेक्ट कर लिया आप उसी भी नाम आ गया दूरी वाला में तो क्या होगा आपको आपके लिए बहुत ज्यादा कम्फर्ट जो है कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा तो ये इस प्रकार से देख लीजिए इसके बाद प्रिंट प्रिव्यू के आप ऑप्शन है दोस्तों यहाँ पे एक बार प्रिंट प्रिव्यू कर लीजिए आपको यहाँ पे पूरा कॉलेज का नाम जो है यहाँ पे शो करेगा आपको दिखेगा ठीक है ये करने के बाद दोस्तों क्या करना है आपको ये जो आपको क्लिक किया है टू रजिस्ट्रेशन पेमेंट इस पर जैसे क्लिक करेगा आपको ये पेमेंट वाले सेक्शन पे चला जाएगा और पेमेंट वाले सेक्शन पे जाने के बाद आप डेबिट कार्ड इंटरनेट बैंकिंग के थ्रू आप पेमेंट कर सकते हैं और दोस्तों मैं आपको जो जरूरी बताने वाला था तो ये देखिए आपको क्या करना है दोस्तों ये इस प्रकार से इस जो कॉलेज सब है तो इसका जो पेमेंट का शुल्क है ना इतना कॉलेज है दोस्तों और इस समय में किस प्रकार से यूनिवर्सिटी के द्वारा जो पेमेंट कॉलेज इस पर लगता है वो मैं आपको बता रहा हूँ मैं पहले ललित नारायण के बता देता हूँ बाबा कि आप खुद भी चेक कर सकते हैं वेबसाइट में जाके

हो सकता है ठीक है इसके बाद दोस्तों ये देखिए ये यहाँ पे कितना पेमेंट कट रहा है 24,000 फोर थाउजेंड फॉर जनरल बी सी और ई के लिए और नाइन थाउजेंड किसके लिए एस सी के लिए ये देखिए दोस्तों ये दो साल का इसका जो कोर्स है या जो पेमेंट कटेगा इसका ये ठीक है कॉलेज एट द टाइम एडमिशन में आपको जैसे पेमेंट कटने वाला मतलब देना पड़ेगा वो बारह हज़ार पाँच सौ तुरंत देना पड़ेगा आपको और एस सी एस टी को जो तो पेमेंट देना पड़ेगा जो फर्स्ट ईयर में फर्स्ट बार देना पड़ेगा वो तुरंत तुण उनको चार हजार नौ सौ रुपया देना पड़ेगा मीएम बहुत सस्ता है अच्छा कम किया है तो आराम से हो जाएगा सस्ता तो बहुत है दोस्तों ठीक है टाइप ऑफ कॉलेज में गवर्नमेंट इसके बाद दोस्तों देखिए ये देखिए ये देखिए ये कॉलेज सबका नाम है ये जो प्राइवेट कॉलेज है जो भी प्राइवेट कॉलेज है दरभंगा में या जो भी जहाँ पे भी कॉलेज है तो इसमें देखिए दोस्तों टोटल खर्च लगभग कॉलेज खर्च देख लेंगे दोस्तों डेढ़ तो लाख तो डेढ़ तो लाख तो डेढ़ तो लाख तो टोटल तो जगह तो डेढ़ लाख रुपया आई है ठीक है डेढ़ लाख में आपको तत्काल क्या जमा करना पड़ता है जिसमें एक देखिए दोस्तों ये जिस जो जिस कॉलेज वाला ऑप्शन जो आपका आ रहा है ठीक है तो इस सब कॉलेज में सीट देखिए सीट भी तो ये देखिए ठीक है इसके बाद चलिए पेमेंट तो देख ही ये देखिए ये हो गया अब देखिए दोस्तों जो आपको तत्काल एडमिशन जैसे करवाना होगा तत्काल ठीक है जैसे एक डेढ़ लाख रूपया है तत्काल आपको कितना देना होगा नब्बे है किसी में कितना देना है पचहत्तर हजार तो इस प्रकार से आपको पेमेंट तत्काल जो फर्स्ट बार ऑडिट है का आपको पेमेंट देना पड़ता है ठीक है तो वो चीज़ अपना ध्यान रखिएगा दोस्तों तो क्योंकि पेमेंट तो आपको तुरंत कटेगा पेमेंट में पे कोई कॉम्जिक्शन नहीं है तो पेमेंट के लिए तो आपको तुरंत देना ही पड़ेगा तो ये हो गया आपका पेमेंट चार्ज ठीक है पेमेंट कटने के बाद जो भी आपका एडमिशन का जो प्रोसेस होगा वो आपको आगे करना होगा इसके बाद फिर से एक पे आपको एक वेबसाइट पर आपको वापस आ जाता हो और इस प्रकार से क्लिक करें फॉर पेमेंट रजिस्ट्रेश क्लिक जैसे किया जाएगा दोस्तों आपको पेमेंट वाले सेक्शन पे ही आ जाएगा और आपको कुछ इस प्रकार का इंटरफेस दिखेगा आप ये इंटरफेस देख लीजिए आपका जो पेमेंट है वन थाउजेंड क्योंकि जनरल के लिए वन थाउजेंड था तो वो ऑप्शन सेलेक्ट कर लिए और यहाँ पर क्रेडिट का, कार्ड डेबिट कार्ड नेट बैंकिंग और जो यहाँ पर नेट बैंकिंग और जो है इससे हम डेबिट कार्ड का ऑप्शन चुन लेंगे क्योंकि यू पी आई का ऑप्शन नहीं है तो इस ऑप्शन में क्लिक करने के बाद आपका टोटल पेमेंट कट जाएगा इसमें वन थाउजेंड ट्वेंटी रुपीज़ पॉइंट फोर्टी वन प्रोसीड टू पे कीजिएगा दोस्तों तो आपको उस इंटरफेस पर ले जाएगा जहां आपका पेमेंट कटेगा ठीक है इस प्रकार से आप इस ऑप्शन पे आ जाइए और ऑप्शन पे आने के बाद ऑप्शन पे आने के बाद आपको यहाँ पे क्लिक कीजिएगा तो डेबिट कार्ड जो आपका नंबर है वो आपसे मांगा जाएगा और डेबिट कार्ड के थ्रू आप इस पर पे पेमेंट अपना कर सकते हैं तो दोस्तों वीडियो अगर अच्छा लगा वीडियो मेरे वीडियो से आप बहुत ही संतुष्ट हो तो प्लीज़ दोस्तों जरूर आप लाइक सब्सक्राइब कीजिएगा क्योंकि आपको वीडियो अच्छा लगा तो अगर नहीं वो समझ में आया तो जरूरी है नहीं कीजिएगा अगर अच्छा लगा दोस्तों तो प्लीज़ करके जाएगा थैंक यू दोस्तों